एपिसोड 164, किंकर ये किसे लाया। चेरी ने जैसे ही कहा अनन्या सुमेर के साथ कमरे में है, इससे पहले कि कोई कुछ कहता अनन्या घबराई हुई सी कमरे से बाहर निकली और वो जैसे ही बाहर आई उसने देखा बाहर पूरी की पूरी फौज खड़ी थी। इन लोगों को देखकर अनन्या ने घबराते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? और फिर अनन्या बोली, मैं बस घर ही आ रही थी। अनन्या की बात पर विकी बोला, कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा सामान यहीं भिजवा रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा वहां रहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह शांत और सब्र से काम लेने वाला ध्रुव इस बार भी बड़ी शांति से पूछा, अनन्या तुम इस वक्त सुमेर के कमरे में क्या कर रही थी? मुझे तो लगा कि तुम यहाँ चेरी को कंपनी देने के लिए हो, इतनी रात में और चेरी के ही साथ होगी। अनन्या बोली, हाँ वो दरअसल सुमेर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं बस उनकी देखभाल कर रही थी और कुछ नहीं। वैसे तुम लोग इस तरह क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? अनन्या की बात पर विक्की ने शक भरी नजरों से अनन्या को देखते हुए पूछा, अच्छा क्या हो गया सुमेर को, अच्छा भला तो था? और अनन्या बोली, हाँ अचानक से चक्कर से आने लगी उन्हें, तुम लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। अनन्या ने ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी कि किसी को शक की गुंजाइश नहीं लग रही थी। और चेरी हैरानी से अनन्या की तरफ देख रही थी कि ये वही लड़की थी जो अब तक कमरे में कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार कर रही थी और अभी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। जब वो सुमेर के नजदीक जाना चाहती थी तो आखिर वो कमरे से बाहर क्यों आ गई और अब इस तरह बहाने क्यों बना रही है। और चेरी ने अपने कदम सुमेर के कमरे की तरफ बढ़ा दिए और चेरी के पीछे पीछे बाकी सभी सुमेर के कमरे की तरफ चलने लगे। कमरे में जाकर देखा तो सुमेर वाकई में औंधे मुंह अपने बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो या तो गहरी नींद में है या तो बेहोश है। चेरी सुमेर के पास गई और जाकर बोली, सुमेर तुम ठीक हो, क्या हो गया है तुम्हें? ध्रुव ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसने देखा कमरे में चारों तरफ कागज बिखरे हुए थे जिन पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मजाक मजाक में ये सारी चीजें बनाई गई हैं और हर चित्र पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। कुछ हंसी मजाक वाली आकृतियां उभरी हुई थी और साथ ही साथ दो कॉफी के मग रखे हुए थे। ध्रुव को समझते देर नहीं लगी कि ये कॉफी सुमेर और अनन्या ने एक साथ पी है। ये सब देखकर ध्रुव सुमेर की तरफ देखने लगा जो वाकई में बेसुध सा पड़ा था। ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ ऐसे? इस कमरे की हालत देखकर तो लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत रौनक थी। चेरी ने दरवाजे पर खड़ी अनन्या को देखते हुए कहा, सही कहा तुमने, यहाँ वाकई में बहुत रौनक थी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि सडनली सुमेर को क्या हो गया, अभी जब रूम में गया था तो बिल्कुल ठीक था। और फिर चेरी कॉफी मग को देखते हुए बोली, अब समझी, सुमेर ने कॉफी पी जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर अनन्या ने चौंकते हुए चेरी की तरफ देखा जैसे वो ये जानना चाहती हो कि आखिर इसे कैसे पता कि कॉफी पीने के बाद सुमेर की तबीयत गड़बड़ हुई है। अनन्या बोली, क्या कहना चाहती हो तुम, कि ये कॉफी मैंने बनाई इसलिए ये हुआ? और चेरी ने कहा, नहीं मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुमेर को कॉफी डाइजेस्ट नहीं होती, पहले भी वो कॉफी पीता था लेकिन कॉफी पीने के जस्ट बाद उसे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता था, तो कॉफी पी के ये अनइजी होना और उस वजह से इसका बेहोश होना है। कॉफी का मग देखकर मुझे लगा कि कॉफी पीने के बाद ही उसे कुछ हुआ है। और ये सुनकर अनन्या की जान में जान आई कि आखिर उसने जो कॉफी में मिलाया था इस बात की भनक किसी को कानो कान तक नहीं हो सकती। अनन्या बोली, मुझे नहीं पता था कि कॉफी से सुमेर को कोई रिएक्शन होता है। पुजारी जी जो बस सुमेर और अनन्या के बारे में सोच रहे थे गंभीर आवाज में बोले, सुमेर बाबू को आराम करने दो, सुबह तक सही हो जाएंगे। और फिर भी तारा से बोले, तारा तुम ये ताबीज खुद भी पहन लो और इन दोनों को भी पहनाओ। तारा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और एक ताबीज चेरी के गले में बांधते हुए कहा, इसे पहने रखना। और चेरी चुपचाप से उसको पहनकर वहां से चली गई। तारा ने एक ताबीज अपने गले में भी बांध लिया और वो एक ताबीज लेकर जैसे ही अनन्या की तरफ बढ़ी, अनन्या हाथ के इशारे से रोकती हुई बोली, ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों पर बिलीव नहीं है। ये महामारी और वायरल अगर कुछ है भी तो ये डॉक्टर की दवाई से सही होगी, ना कि कोई जादू मंत्र और इन ताबीज से, तो प्लीज मुझे इन सब से दूर ही रखो। इतना कहकर अनन्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मैं हवेली के गेट पर तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर अनन्या वहां से चली गई। तारा हैरानी से पुजारी जी की तरफ देखने लगी और पुजारी जी बोले, ये ताबीज इसे पहनाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि बंजारन को आजाद करने में इन लोगों का हाथ था। और फिर पुजारी जी ने ध्रुव और विक्की से कहा, ये काम तुम्हें लोग कर सकते हो, तारा इसके लिए अजनबी है, तुम और विक्की मिलकर उसे मनाओ और इसे ये ताबीज पहनाओ।
और ध्रुव ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, पुजारी जी हम अनन्या को ये पहना देंगे। और फिर पुजारी जी अपने शिष्य के साथ हवेली से चले गए और जाते जाते सुमेर की तरफ देखकर अपने मन में बोले, इस उम्र में इस तरह की चीजें स्वाभाविक है सुमेर बाबू, लेकिन आप भूल रहे हैं, आप पाली के हैं और यहाँ इस तरह की भूल के लिए क्या और कितनी भयानक सजा है। मुझे कल आपसे इस विषय पर बात करनी होगी। विकी ने उस कमरे पर एक नजर डालते हुए ध्रुव से कहा, मुझे लगता है अब हमें भी चलना चाहिए। और ध्रुव हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ चलो चलते हैं। इतना कहकर ध्रुव तारा और विकी के साथ उस कमरे से निकल गया। विकी और तारा आगे चल रहे थे और ध्रुव धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा था। तभी पीछे से चेरी ने ध्रुव को आवाज लगाते हुए कहा, ध्रुव एक मिनट रुकना। चेरी की आवाज सुनकर ध्रुव के साथ साथ विकी और तारा भी पीछे पलट कर देखने लगे। ध्रुव ने विकी से कहा, तुम लोग चलो मैं देखता हूँ क्या बात है। और तारा और विकी वहां से आगे चले गए। चेरी ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम अनन्या से प्यार करते हो और अनन्या को सुमेर के आसपास देखकर, उसके इतने नजदीक देखकर तुम्हें तकलीफ होती है ना। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, और तुम सुमेर से प्यार करती हो और उसके प्यार में तुम इतने सालों बाद यहाँ खींची चली आई हो और अब तुम्हें ये लग रहा है कि अनन्या सुमेर के नजदीक आ चुकी है और सुमेर के मन में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम्हें ये बात बहुत तकलीफ दे रही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? चेरी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं चाहती हूँ कि अनन्या सुमेर की जिंदगी से दूर हो जाए। देखो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम अनन्या को वापस पाना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं सुमेर को वापस पाना चाहती हूँ और अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे की हेल्प करके अपना प्यार वापस पा सकते हैं। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, प्यार को वापस पाने के लिए मेहनत? एक बात कहूँ, अगर आपका प्यार आपसे रूठा हुआ हो, आपसे नाराज हो, तो उसे वापस पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो मान जाए, उसे मनाने में अपनी जान लगा देनी चाहिए। लेकिन जब आपका प्यार आपसे रूठा हुआ ही नहीं हो, आपके बीच कोई झगड़ा लड़ाई कोई गलतफहमी नहीं हुई हो, तब अगर आपका प्यार किसी और की तरफ आकर्षित हो गया हो और उसके साथ रहना चाहता हो, तो यकीन मानो तुम उसे नहीं पा सकते। और अगर तुमने मेहनत की, दिमाग लगाया, तो हो सकता है शारीरिक तौर पर तुम उसे पा भी लो, लेकिन मन से वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। रही बात अनन्या की, तो मैं अनन्या से पहले भी प्यार करता था, अब भी करता हूँ, मैं अभी भी उसे ही चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। इतना कहकर ध्रुव वहां से आगे बढ़ने लगा और पीछे से चेरी हंसती हुई बोली, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना ध्रुव, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार कमजोर है, तुम लाचार हो, मजबूर हो, तुम जानते हो कि तुम कभी अनन्या को नहीं पा सकते हो, लेकिन मैं तो मेरे सुमेर को वापस पा कर रहूंगी। तुम अगर अपने प्यार को पाने के लिए मेरा साथ नहीं दोगे तो भी, बस फर्क इतना है कि मुझे तो मेरा प्यार मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी अनन्या फिर किसी और सुमेर की तरफ चली जाएगी, लेकिन कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज सुमेर के कमरे की हालत देखने के बाद भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोला है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी अनन्या मेरे सुमेर के नजदीक जाने की हर कोशिश कर रही थी। अगर सुमेर की तबीयत नहीं बिगड़ी होती तो शायद। इतना बोलते बोलते चेरी चुप हो गई। ध्रुव ने हैरानी से चेरी की तरफ पलट कर देखा और चेरी के होठों पर बिखरी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो ध्रुव का मजाक उड़ा रही है। ध्रुव बड़े बड़े कदमों से वहां से चला गया। चेरी वहीं खड़ी आंखों में गुस्सा लिए खुद में बोली, बस अनन्या बहुत हो गया, अब तक तो मुझे लग रहा था शायद तुम और सुमेर एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हो और मेरे पास अभी बहुत वक्त है उसे पाने के लिए, लेकिन आज जो तुमने कोशिश की है उसके बाद मुझे जल्द से जल्द तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। मैं यहाँ से हार मानकर लौट जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सुमेर को हासिल करने आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और वो मैं पा कर रहूंगी। इतना कहकर चेरी वापस पलटी और सुमेर के कमरे की तरफ बढ़ गई और सुमेर के कमरे में जाकर उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। दूसरी तरफ जब ध्रुव वहां से जा चुका था और ध्रुव के वहां से निकलते ही विकी भी एक खंभे के पीछे से निकला। विकी की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे विकी का दिल कर रहा है कि वो अभी के अभी सुमेर का कॉलर पकड़ ले, लेकिन किसके लिए? ध्रुव के चेहरे की उदासी और उसकी मायूसी साफ बता रही थी जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे जितना टूटना था वो टूट चुका है। विकी लगभग भागते हुए ध्रुव के पास गया और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, क्या अभी भी तेरा खून नहीं खोल रहा है? क्या अभी भी तू सुमेर से अनन्या को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा? और ध्रुव की का हाथ छुड़ाते हुए कहा, किसके लिए? क्या कभी अनन्या ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? क्या कभी मैंने खुलकर अनन्या से बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ? क्या कभी हमने ऑफिशियली एक दूसरे को अपनाया? ये भी तो हो सकता है ना कि
प्यार का रिश्ता सिर्फ मेरी तरफ से रहा हो, मैं आज भी कहता हूँ मेरा प्यार सच्चा होगा तो वो लौट कर मेरे पास जरूर आएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि आज जो चेरी कह रही थी वो सच था, तो अब मुझे अनन्या की तरफ से लौट कर आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। और मुझे नहीं लगता अनन्या को कभी मुझसे प्यार था, शायद उसकी दोस्ती, उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र को मैं उसका प्यार समझ रहा था। इतना कहते हुए ध्रुव पीछे पलट गया और विक्की ने एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझसे अपने आंसू छुपा रहा है? उसके बाद विक्की ध्रुव को कंधे से पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मुझसे अपने आंसू छुपाएगा तो किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगा साले, तेरा तो बाप भी नहीं रहा। और विक्की के इतना कहते ही ध्रुव विक्की के गले लग गया और बस खामोशी से उसके आंसू निकलने लगे। कहते हैं जब भीतर शोर हो तो इंसान बाहर से खामोश होता है, यही हाल ध्रुव का था। ध्रुव बोला, सच में आज मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई नहीं है। अनन्या को पाने की हर उम्मीद अब मैं खो चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ वो मेरी कभी नहीं हो सकती। कुछ देर रुकने के बाद विक्की ने ध्रुव को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है वो चेरी जो कह रही थी सही कह रही थी। अगर हम चेरी को सुमेर के नजदीक लेकर आए तो सुमेर अपने आप अनन्या से दूर हो जाएगा, और तू एक बार फिर कोशिश कर सकता है अनन्या के दिल में अपने लिए जगह बनाने की। और मुझे लगता है अनन्या जो तुझसे दूर हुई है वो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने इस प्लानिंग में ना तो उसे शामिल करते आए हैं और ना ही उसे कुछ बताया है। वो अलग थलग सी महसूस करने लगी थी। बेशक तू उसकी सेफ्टी के लिए उसे इन सब से दूर रख रहा था, लेकिन अनन्या ये बात तो नहीं जानती है। और ऐसे में उस शातिर सुमेर ने उसे अपने पन का लालच दिया और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, छलावा ने आवाज दी, चलो क्या हुआ, वहां क्यों खड़े हो? और ध्रुव बोला, बाद में बात करते हैं, चल यहां से। और बाकी सबको लेकर घर की तरफ लौट गया। रास्ते भर ध्रुव ने अनन्या के चेहरे को गौर किया। अनन्या के चेहरे पर जैसे कोई भाव नहीं थे सिवाय घबराहट के। अनन्या की आंखों में आज एक अलग सी नर्वसनेस लग रही थी जिसे ध्रुव समझने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ अनन्या बार बार चोर नजरों से ध्रुव की तरफ देख रही थी और ध्रुव की तरफ देखती हुई अपने मन में बोली, आज बेशक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन मैंने ध्रुव को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की इस घटना के बाद वो मुझ पर यकीन करेगा, जबकि ध्रुव ने खुद मुझे सुमेर के कमरे से निकलते देखा है, वो भी रात के इस वक्त। और जहां यकीन नहीं वहां प्यार नहीं। और एक बार अगर ध्रुव का भरोसा मुझ पर से टूट गया है तो धीरे धीरे उसका प्यार भी खत्म हो जाएगा, और तब ध्रुव को यहाँ से भेजने में मुश्किल नहीं होगी। बस एक बार ध्रुव और विक्की यहाँ से चले जाए फिर मेरी कोई कमजोरी नहीं रहेगी उस बंजारन के हाथों में। घर पहुंचकर सब अभी अभी लेटे ही थे कि विक्की के घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इतनी रात में इस तरह दरवाजा कौन पीट रहा था, ये सोचकर सब हैरान थे। ध्रुव ने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही टॉर्च जलाया वैसे ही वो हैरानी से बोला, बाबा आप, मेरा मतलब है आप। और ध्रुव की बात पर विक्की और छलावा भी उठकर बाहर तक आ गए थे। बाहर जो खड़े थे वो छलावा के बाबा थे, और उन्होंने जैसे ही छलावा को देखा और छलावा ने उनकी तरफ देखा, छलावा घबराते हुए बोला, बाबा आप यहाँ इस वक्त, मेरा मतलब है आप तो शहर गए थे, आप आज ही कैसे लौट आए? मेरे कहने का मतलब है आप तो हमेशा काफी वक्त बाद, मतलब। छलावा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। छलावा के बाबा गुस्से में बोले, मैंने तुझसे कहा था ना इन लोगों से दूर रहने के लिए, और तू इनके घर रहने ही आ गया, मतलब मेरी गैर मौजूदगी में तू यहीं पड़ा रहता है। छलावा इनकार करता हुआ बोला, नहीं बाबा ऐसा नहीं है, वो आज बहुत रात हो गई थी इसलिए मैं वो। तभी छलावा के बाबा के पीछे से इन लड़कों के हमउम्र का एक लड़का बाहर निकला। वो दिखने में साधारण शक्ल सूरत का, साधारण कद काठी का लड़का था। वो छलावा और बाकी सबको देख रहा था। छलावा ने उस अपरिचित लड़के को देखा तो बाकी सब भूल कर बोला, बाबा ये कौन है? छलावा के बाबा उस लड़के की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोले, ये शहर में जो मेरे रिश्तेदार रहते हैं उनका लड़का है, ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आया है फिर लौट जाएगा। लेकिन उस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो छलावा के बाबा से जरा भी परिचित रहा होगा। और फिर छलावा के बाबा बोले, अब चल यहां से। छलावा ने ध्रुव और विक्की की तरफ देखा और वहां से निकल गया। छलावा और उसके बाबा के साथ साथ वो लड़का भी पीछे पलटा, और जैसे ही वो पीछे पलटा उसके गोल गले की टी शर्ट से उसके गले पर बना टैटू साफ दिख रहा था। ध्रुव ने पीछे से कहा, सुनो तुम्हारे गर्दन पर वो टैटू। ध्रुव के मुंह से अचानक ही ये बात निकल गई थी, और ये सुनते ही वो लड़का जल्दी से अपनी टी शर्ट को सही करता हुआ बोला, कौन सा टैटू? और छलावा के बाबा जल्दी जल्दी बोले, जल्दी चलो यहाँ से।
और छलावा के बाबा उस लड़के को लेकर जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। ध्रुव हैरानी से बोला, ये टैटू तो कुछ जाना पहचाना सा है।